नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारुठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं 1942 क्रिप्स मिशन की। भारत में इस समय यानी 1939-40-41 के आसपास में जब पाकिस्तान शब्द आने लगा और एक गतिरोध बढ़ने लगा, क्योंकि इस्तीफा दे दिया गया था सारे कांग्रेस विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने 1938-39 के बाद, तो धीरे धीरे ये स्थिति हुई। और 1940 अक्टूबर के हम देखते हैं कि विनोबा भावे का सत्याग्रह और ये सब, उसके बाद में कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया 1940 में, फिर 41 में फिर रिहा कर दिया गया। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा था कि युद्ध पश्चात भारत युद्ध शुरू हो गया था, भारत को आज़ादी दी युद्ध के बाद दे दी जाएगी, ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप से सत्ता के स्थानांतर पर राज्य हो जाएंगे, ये सारी बातें चल रही थी। ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए एक और लॉलीपॉप भारतीयों को दी गई, एक और झूठा दिलासा गया गया, जिसका नाम क्रिप्स मिशन है, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इस राजनीतिक जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत मिशन भारत भेजा। हालांकि मिशन का वास्तविक जो था उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु और उन्हें फुसलाना था। मजदूर दल के नेता को भेजा जाता है क्योंकि ब्रिटेन और रूस की एक समरूपता आ रही है, धीरे धीरे दोनों एक साथ हो रहे हैं विश्व युद्ध में। सर क्रिप्स जो थे वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय का जो है आंदोलन का सक्रियता से समर्थन भी किया था। क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया, इस पर भी एक बात सामने आती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की करारी हार हो रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का संभावनाएं बढ़ रही थी। हम जानते हैं रोम बर्लिन टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध में चल रहा था। ब्रिटेन या मित्र राष्ट्र जो भी कहें, सोवियत संघ कहें, और से ये दबाव डाला रह जाता है कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करें। भारतीयों में इस शर्त पर राष्ट्र को समर्थन देना शुरू किया था कि वे आज़ादी के तुरंत बाद में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी या उनको ब्रिटेन की जो है युद्ध जीत जाएगी, उसके बाद में जो है वह हमें स्वतंत्रता दे देंगे। क्रिप्स मिशन के जो अगर बिंदु की बात करें हम मुख्य मुख्य बिंदु की, तो डोमिनियन राज के साथ में एक भारतीय संघ की स्थापना की थी, लेकिन डोमिनियन शब्द जरूर आएगा। ये संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंध स्थापित करेगा और भविष्य में कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण होती है तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भी खुद की भूमिका खुद ही तय करेगा। युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति का एक गठन किया जाएगा और कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों में से ले जाएंगे, कुछ केंद्रियों में लिया जाएगा और रियासतों की प्रतिनिधि के राज्यों को द्वारा जो प्रतिनिधित्व है वो मनोनीत किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को अग्रलिखित शर्तों से अधीन स्वीकार की करेगी, यानी जो संविधान निर्मात्री परिषद है वह निर्मित संविधान किसी प्रांत को स्वीकार नहीं होता, वह भारतीय संघ से पृथक होने की रखता है। सबसे बड़ी बात यह थी। दूसरा, पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। पहले तो उनको राजनीतिक दे दी, फिर उनको ये संप्रभुता भी दे दी, फिर देसी रियासतों को इसी प्रकार का भी अधिकार होगा, देसी रियासतों को भी यही दे दिया गया। तो हम ये देख जानते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विखंडन जाते जाते विखंडन की प्रक्रियाओं को शुरू किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था के होने तक भारत के सुरक्षा संविदायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा, देश की सुरक्षा का नियंत्रण और निर्देशन भी करेगा। अब ये इतनी बड़ी बातें, रियासतों के यहाँ से मनोनयन होगा, प्रत्यक्ष संविधान निर्मात्री होगी, प्रांतों को प्रत्यक्ष अधिकार दिया जाएगा, रियासतों को स्वतंत्र देगी। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पूर्ववर्ती प्रस्तावों से भिन्न हुआ थोड़ा। अब पूर्व कैसे भिन्न हुआ कि संविधान के निर्माण का अधिकार उन वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था, ये एक बात आई। संविधान निर्मात्री राज्य के गठन हेतु एक ठोस योजना बनाई गई थी, प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का जो है विकल्प दिया गया था और एक व्यवस्था ये भी लागू की गई थी। स्वतंत्र भारत के लिए ये अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार है।
भारतीयों के शासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाए था, सुनिश्चित किया गया था। तो ये जो पहले बात आई थी उससे थोड़ा सा बात, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिस्प मिशन असफल हो गया, क्योंकि इसमें सारी की सारी सार्वभौमिकता जो छिपी हुई थी, जो मौलिकता छिपी थी, वो युद्ध उपरांत छिपी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा था, यानी उस समय में भारतीय सेनाओं की या भारतीयों की समर्थन की आवश्यकता थी, ठीक उसी समय में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से संबंध स्थापित कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जापान से संबंध स्थापित कर रहे हैं, उस समय में ये घटनाएँ घटी जाती है। क्रिस्प मिशन के प्रस्ताव भारतीय युवा राष्ट्रों को संतुष्ट करने में असफल रहे तथा भारतीयों के किसी भी उसमें वह सहमति प्राप्त नहीं कर सके किसी भी संबंध में। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था की गई। देशी रियासतों को परिवर्तन के लिए निर्वाचन के स्थान पर उन्होंने मनोनयन की बात की। प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध थी, इसलिए भी सब्सक्रिप्शन असफल था। सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना का अभाव था। प्रतिरक्षा सौदे जो हुए उस पर वास्तविक भागीदारी का व्यवस्था नहीं हुई। जनरल गवर्नर जनरल की जो सर्वोच्चता पूर्वत ऐसी कैसी बनी रही, और संविधानिक प्रमुख भी उसको माना गया। तो कांग्रेस की ओर से के मौलाना अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और इन सबको इनको प्रशिक्षण के लिए बनाया गया, और उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, इसका मूल्यांकन करके ये कहा कि क्रिप्स मिशन को अस्वीकारनीय है भारतीय संघ के। और इसी प्रकार प्रांतों के जो है ना मुसलमानों के आत्मनिर्भर के सिद्धांत तथा पूर्व प्रथम को स्वीकार नहीं किया गया, ये भी बात हुई। तो धीरे धीरे वे कांग्रेस और अन्यों ने इसको अस्वीकार कर दिया और अंततः क्रिप्स मिशन असफल होकर भारत की तरफ लौट रहा। क्रिप्स द्वारा प्रस्तावों को से आगे जाकर भारतीयों को विश्वास जीतने की असफलता, उनका यह कहना है कि इसे स्वीकार करना छोड़ दो, गतिरोध एक तरीके से हमारा विरोध करना छोड़ दो। गतिरोध के सबसे प्रमुख कारण थे कि क्रिप्स मिशन ने मंत्रिमंडल के जो गठन में राष्ट्रीय सरकार और स्थापना की बात कही, किंतु बाद में अपनी बातों से मुकर गए थे। और इसलिए क्रिप्स मिशन में हम देखते हैं कि जब प्रारूप तैयार हो रहा था क्रिप्स मिशन का, तो धाराएँ कुछ और थी, और जब भारत पर लागू किया गया तो धाराएँ कुछ और थी। इसलिए ये सबसे बड़ा उनका नुकसान का कारण था या असफलता कारण था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि जो कुछ भी मिल रहा है हमारे को तो युद्ध के बाद मिल रहा है, और ऐसी सफलताएं हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध में भी दिलाई थी, और उसके बाद में भी आपने आपको कोई किसी प्रकार की सहायता तो नहीं दी, और अंततः हमको ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा, और आज भी वही घटना हो रही है। इसलिए फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्थापित होता है। धन्यवाद।